टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों टीम इंडिया के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर हैं। वो अपनी गेंद से कीवी बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा रहे हैं। इस बीच उनके परिवार में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत में उनके भाई के घर में एक नन्ही परी का जन्म हुआ है। दरअसल शमी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक नन्ही बच्ची की फोटो डालते हुए कहा कि मेरे परिवार में एक और बच्ची का जन्म, प्यारी सी राजकुमारी तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, तुम लाड और प्यार के बीच बड़ी हो, दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, भाई के परिवार को मुबारकबाद। आपको बता दें कि शमी की पत्नी हसीन जहां ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए हैं। बता दें कि साल 2018 में मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद शमी का करियर पूरे तरीके से डगमगाता हुआ दिखाई दिया था। हसीन जहां के गंभीर आरोपों के बाद बीसीसीआई ने शमी का सालाना कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया था। हालांकि बाद में बोर्ड ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए बी ग्रेड में शामिल किया। बीसीसीआई ने कहा था कि बोर्ड ने उनकी पत्नी हसीन जहां द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखकर उनका नाम रोक दिया। इतना ही नहीं, शमी के आईपीएल खेलने पर भी रुकावट आई। बाद में बीसीसीआई की जांच के बाद शमी को क्लीन चिट मिल गई और वो वापस क्रिकेट खेलने लगे। बता दें आपको कि जिस तरीके से ये आरोप लगे उसके बाद हर कोई हैरान रह गया था। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के खिलाफ मैच फिक्सिंग जैसा घिनौना आरोप भी लगाया जिसके बाद शमी को बीसीसीआई की तरफ से क्लीन चिट दी गई। हालांकि अब मोहम्मद शमी के परिवार में सब कुछ ठीक है। अब देखना होगा कि शमी और हसीन जहां का मसला और कहां आगे जाता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।